कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के परिणाम आ गए हैं। इस चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी को जहां 104 सीटें मिली है, वहीं कांग्रेस को 78 सीटों से संतोष करना पड़ा है। जेडीएस इस चुनाव में किंगमेकर की भूमिका में है। एक सीट मायावती की बसपा को गई है, जबकि दो सीट निर्दलीय गई है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत न मिलने पर अकेले दम पर सरकार बनाना मुश्किल है। अब गेंद राज्यपाल की पाली में है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मायावती ने ही सोनिया और जेडीएस के मुखिया एचडी देवगौड़ा से बात दोनों एक साथ आने का सुझाव दिया था। बसपा के आंतरिक सूत्रों की माने तो मायावती ने पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से मिलने को कहा था। इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी सोनिया गांधी को जेडीएस से हाथ मिलाने को कहा। इसके बाद मायावती ने जेडीएस के देवगौड़ा से बात की और उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए मनाया। इसके बाद सोनिया को भी फोन करके मायावती ने बात कर जेडीएस के साथ के लिए मनाया। एसपीएन नैनीजुम की रिपोर्ट।